मेरे दोस्तों, ये बहुत खेद की बात है कि लोग वैज्ञानिक ढंग से सोचते नहीं, अंधविश्वास में बंधे हुए हैं। किसी ने कुछ कह दिया बिना सोचे समझे, बिना कोई तर्क के उस पर विश्वास कर लिए और धीरे धीरे अज्ञानता की घनघोर अंधकार में विलीन हो जाते हैं। और फिर तरह तरह के लोग तरह तरह की भावनाएं लोगों में पैदा कर देते हैं और इसका परिणाम होता है कि सत्य तो है नहीं, गुरुत्वाकर्षण जैसा यूनिवर्सल कोई एक लॉ तो है नहीं। किसी के मन ग्रंथ बातें हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। मैंने बार बार इसको बतलाने की कोशिश की है प्यारे दोस्तों। एक कहानी लिखा था एक ब्रिटिश पोएट ने, 7 ब्लाइंड मैन ऑफ हिंदुस्तान, वही है हमारे हिंदुस्तान के विचारों की, भावनाओं की, आस्थाओं की विशेषता। क्योंकि जो 7 हिंदुस्तानी अंधा था, हाथी को किसी ने पैर छुआ तो पेड़ बोल दिया, उसके शरीर को छुआ तो दीवार बोल दिया, उसकी पूंछ को छुआ तो रस्सा बोल दिया, उसके कान को छुआ तो सूप बोल दिया, और उसके दांत को छुआ तो किसी ने बोल दिया ये तो भाले है। प्यारे दोस्तों, इसी तरह से मनुष्य जब अंधा होता है, वो अंधा भौतिक रूप से नहीं है, आँख तो है उसके पास, लेकिन अंतरात्मा ज्ञान की कमी है और इसीलिए वो अंधकार में भटकता हुआ तरह तरह से अपने आप को समझाता रहता है कि ये हैं तो ये हैं तो ये हैं। और फिर विभिन्न लोग लड़ने लगते हैं, क्योंकि 7 हिंदुस्तानी जो हाथी को अलग अलग रूप से समझा, भिड़ गए, क्योंकि उसको जितना समझ में आया वही सत्य है, लेकिन ये सारे गलत है। सत्य तो है गुरुत्वाकर्षण, जिसे न्यूटन ने खोजा था। सत्य तो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सत्य तो है एरोप्लेन, रॉकेट्स। सत्य तो है हमारे लिए जो कार बनाए लोगों ने। सत्य तो है एटॉमिक एनर्जी, वो यूनिवर्सली एक ही है। आप जितने भी राष्ट्र हैं इस पृथ्वी पर, कहीं भी जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण आपको मिलेगा। वो तो छोड़िए, चंद्रमा पर भी है, मंगल ग्रह पर भी है। सत्य मेरे दोस्त एक ही होता है, लेकिन असत्य, अंधकार में जीवन जीने वाला व्यक्ति अपने आप को भटकाता रहता है। मेरा सौभाग्य है कि मैं, देख लीजिए, मेरे सामने बुद्ध की एक मूर्ति पड़ी हुई और मैं बिल्कुल बुद्ध से सीखा हूँ। सत्य, मैं सत्य हूँ, सत्य के अलावा कुछ नहीं है। और सत्य वही है जो शाश्वत है, जो कभी झूठ नहीं हो सकता। गुरुत्वाकर्षण की तरह जागो मूर्खों, अंधविश्वास की गहराई में डूब के जीते जी मृत्यु के कगार में मत खो जाओ। सत्य का एहसास करो। सत्य है प्रेम, सत्य है सहयोग, सत्य है अहिंसा, सत्य है सबको साथ लेके चलने की भावना। वसुधैव कुटुंबकम सत्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सत्य है, आत्मवश सर्वभूतेषु सत्य है, बाकी सब झूठ है। और झूठों की संख्या तो तरक्की पर है मेरे दोस्त। ज्ञानी बुद्ध तो एक ही हुए जो आपके सामने। जीते रहो, जागते रहो, सत्य की खोज में आगे बढ़ते रहो। जीवन क्षण भंगुर है, लेकिन वही जीता है जो सत्य की तलाश में सत्य को पाता है, और वो बुद्ध कहलाता है, और वो पंडित, फकीर, योगी, वेंद्र योगी, एडवेंचर राइडर बन जाता है।